बच्चे जब आए हैं देखने के लिए तो आगे देवता चल रहे थे, गरुड़ की पीठ पे भगवान विष्णु सवार थे, गरुड़ की पीठ पे भगवान विष्णु सवार थे, हंस पर ब्रह्मा जी सवार थे। देखो सुनो, अब नऊ भोले बाबा ने कमी करी, कब नंदी स्वरूप बैठे तो उल्टे बैठे, पूछवा कर लो। देवता बोले बिल्कुल क्रिकरी करके मानो नेका तो रहेगी बची, ताऊ नहीं छोड़ी तुमने। अब जैसे हते तुम्हें धूर फूर लगाए कि आए उल्टे सीधे, तैसे कम से कम सीधे ही बैठ जाते। पर पता है मेरे त्रिपुरारी भगवान उल्टे क्यों बैठे? क्या जहां शिवजी का नंदी सुर चल रहा था उसके जस्ट ठीक पीछे गरुड़ की पीठ पर भगवान चल रहे थे। तो भोलेनाथ ने की चाहे मेरा ब्याह हो वे चाहे मारो जावे, पर मैं संसार के 14 भवन के स्वामी ठाकुर को पीठ दे करके नहीं बैठूंगा। ठाकुर जी को पीठ दे करके नहीं बैठे, उल्टे बैठे तद भगवान सामने पड़े रहे। अब जो बालक ने देखी वो देवतन भाई बरात निकली और वो भूत खैसन भाई चढ़ी पीछे थे, सो बालक पछार खा गए, मैया के बार बंद कर दो सब काम खा लो पीछे। अब बरात जब चढ़ी है, नगर की माताएं नगर की नारियां सब इकट्ठी हुई और तब बोली मेहना राजा ही लड़की को ब्याह है, चलो कजदया खरा गाइए दें। तो ध्यान रखना जब बिटिया सब खड़ी भई हैं तो एक वृद्ध माता सन के जैसे बाल हो गए थे सफेद और लठिया हाथ में लेके और जाकर लहंगा घुमा के ठाड़ी भाई लहंगा देखो हम ही ना देखो कऊ जमाने में जब हमारे प्रेमपाल चाचा की मेहता ही ने बल पैरों हुए 24 गज कपड़ा बन तो बताता हूं 24 गज में विचार करियो 24 गज कपड़े को और वे माताएं ऐसी धरती पर जन्म ले गई कि वे पैर ही डोलती 24 घंटा और दुकान पर कह रही कि वो नेट की धोती लगा दी हो, नेट की धोती देखी है अभद्रता है बिल्कुल, तुम बीच में बात धोती है बांध दो पलंग किताब खोले के दद्दो जालंग से पढ़े ले ऐसी नेट की धोती है। तो आज वो बुढ़िया और बीच चौक में गाना गा रही है देवताओं की तरफ हाथ करके। देखो बहन बेटियां सब सुनो, गानो गाओ तो ऐसो ताते सुनवैया तारीफ कर और सही बता रहे हैं कछु गीत भजन तो तुम ऐसे गा जाती हो ताको ना मूड न पाओ। एक गाना गाती हैं मैंने बहुत दिन सुना है, भारत वीर लौट चल घर को, पहली रानी में तो जी कही और दूसरी में कही कि भैया रघुवीर लौट चल घर को। अब जी बताओ जा में भरत ने राम ती कही है क्या राम ने भरत ती कही है? और दोनों लान कह दी तुमने। अब जय नसल परी कि भरत जी राम ती कह रहे हैं कि राम भरत ती कह रहे हैं और सत्यता यह है कि भरत जी कह रहे हैं भगवान राम से कि भैया रघुवीर लौट चलो। तो जाएगा आओ ना एक ही लान कहो तो कैसे कह देती हूं। आज वही बुढ़िया मैया गाना गा रही है किस तरह से, हम गाई सुनावत है बराती जा को हरे हरे बराती जा को अरे तू करो हम गाए सुनावत है बराती जा को हरे हरे बराती जा को अरे तू करो हम गाए सुनावत है परना परनी पेट में बैठे बस पहने परना परनी पेट में बैठे बस पहने मोहरी मोहर मने दो होके करो दे और रुक कम कम मने रहो हालत मार हो जाते पेट में गाड़ो ए पेट में गाड़ो हम गाए सुनावत है बराती जा बरना बरनी पेट में बैठे वस्त्र पहरे दांत और मोहरी मोहर धरे दो हुनके कंकन बंदरो हाथ के मारो जाके एक चक्कर मार के बढ़िया फिर वो दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए आगे पीछे कर दो हो और शोभा न मलंग
कि बरात जब चढ़ी है तो बुढ़िया मैया ने कितना निर्गुण गीत गाया था, बरना बरनी पेट में बैठे माया और मन दोनों भीतर है, ज्ञान और वैराग्य दोनों ब्राह्मण है, ये भी दोनों भीतर है, नाभि का स्थान मंडप है, हजारों सूर्यों के बराबर ज्योति जलती है जिसे योगी महापुरुष देख लेते हैं। तो आज जैसे बरात चढ़ी है श्रोता बंधु, आज भोलेनाथ नंदीश्वर की पीठ पर जा रहे थे तो लड़की के घर में सबसे ज्यादा इच्छा होती है लड़की की मां को कि मेरी लली के तन लला आए वो कैसे हैं। देखो जी भारत की संस्कृति पहले है, लड़का चौखट पे महतारी को देखे कम मिलतो तब वो बरना बन के आतो तब। अब ऐसा है भामर परवेवा दिनों आतो का ताते पहले तो 11 बेर बूरो खाया वो लड़का करे है? लड़का के बापन ने परंपरा मांग ली, कोई 10 लाख मांग रहे हो कोई 20 लाख मांग रहे हो, लड़का देख आए पसंद कर आए बे लड़की देख गए और दूसरी बार में जो भेंट बांट में गए बस लड़का को नंबर लड़की पे और लड़की को नंबर लड़का पे। बहुत सुंदर बोलिए त्रिपुरारी भगवान की बैठ जाओ। बात सुन देख देख चलो चलो श्रोता बंधु, अरे बाल को बैठो तो उस समय मैना छत पर चढ़ करके तब बोली है क्या बोली, अरे एक बरना बूढ़ो नारद के सो घर ढूंढो बोड़ो ए नारद के सोगर ढूंढो ए बरना यज्ञपति जी तिलकबाई कटोरी हुई मंदिर में हाथी घोड़ा पे चढ़ नहीं पायो, हाथी घोड़ा पे चढ़ नहीं पायो सुगड़ पानी की जिया नहीं भोजन जाए न सुहावे ना बोली बहना मेरी लली को तो है सौभाग्य फूटो है। जब नारद ने सो लली को भाग फरवा काउद ना आवे हो और काउद ने बोला गांव में दिखाई ना देगा तो सब झोला डंडा छीन के धर दे तो मुझे मैं ना मत कहिए ए पार्वती बराबर खड़ी और मैं ना बहुत क्रोधित है कि कह रही है कि मेरी लली को भाग फूटवो। तब कह रही है पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े मैया ना अब कही गई से कही गई अब मत कही क्यों तो क्या बोली है पार्वती पति मोई प्राणनु ते प्यारे अरे मैया गाली मती दे पति मोए प्राणनु ते प्यारे मैया गाली मती दे गाली मती दे मैया गाली
को पति मोए